हेलो दोस्तों, तो क्लास ट्वेल्थ की मैथ में इस समय हम सब लोग एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं बालाजी प्रकाशन से। और अभी तक हम सब लोगों ने बालाजी प्रकाशन से एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगल यानी समाकलन के अनुप्रयोग में दो वीडियो को कंप्लीट किया है, और जिसमें क्वेश्चन नंबर हमने 6 तक कंप्लीट किया है। और आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, जो कि इस एक्सरसाइज 17.1 का तीसरा पार्ट होगा, और जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। y इज इक्वल्स टू x साइन x कामा x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू 2 पाई तक हमको करना है इसके क्षेत्र द्वारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये कोटियां हमें दी गई हैं x बराबर 0 से 2 पाई के बीच में। ये जो फलन हमारा दिया गया है, इसका समाकलन करना है। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले ग्राफ द्वारा समझेंगे। ग्राफ बनाने के लिए हम देख सकते हैं ये जो फलन है, इसमें दो, मतलब जो हमारा y है, इसमें दो प्रकार के फलन आए हैं। पहला आया है एक रेखा का y इक्वल्स टू x, एक रेखा है, और दूसरा आया है y इक्वल्स टू साइन x, यानी कि इसमें दो प्रकार के फलन शामिल हैं। सबसे पहला है हमारा चर, ठीक है, और जो दूसरा है वो त्रिकोणमितीय फलन है। तो सबसे पहले हम चर वाला कंप्लीट कराएंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। y इज इक्वल्स टू x, यानी ये मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है, क्योंकि x का मान 0 डालने से y का मान 0 हो रहा है। तो ये रेखा कहाँ से होकर के जाएगी, x अक्ष से होकर के जाएगी। तो ये एक रेखा का समीकरण है जो कहाँ से होकर के जाएगी, हमारी x अक्ष से होकर के जाएगी भैया, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर रहे हैं, ये हमारी बन गई एक रेखा। ठीक है, तो ये हमारी एक रेखा बन गई है, और एक रेखा हमारी जो होने वाली है, दो प्रकार की होंगी, y इक्वल्स टू x, भाई x का मान माइनस का भी, y इक्वल्स टू x दोनों प्रकार के हो सकते हैं, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। कहने का मतलब अगर x की जगह पर हम माइनस x डालेंगे तो y का मान नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव ही आने वाला है। x की जगह पर अगर माइनस डालेंगे तो साइन माइनस का x माइनस साइन x, और माइनस का यहाँ पर चिन्ह प्लस ही हो जाएगा। तो ये दो प्रकार के इसमें ग्राफ बनेंगे। तो x का मान माइनस रख रहे हैं, फिर भी y का मान क्या मिल रहा है, प्लस मिल रहा है, तो कुल मिलाकर के ऊपर ही रहने वाला है। तो इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है ये भी देख लेते हैं। ये बन गई हमारी रेखा, ठीक। तो ये हमारी रेखा हो गई। सबसे पहले ये जो रेखा है, ये किसका समीकरण है, y इज इक्वल्स टू x का है। किसका है भैया, y इज इक्वल्स टू x का है ये, ठीक है। और ये भी किसका, y इज इक्वल्स टू x का, यानी मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। यही तो होता है जो मूल बिंदु से होकर के जाता है। ये हमारी मूल बिंदु है, कौन सा बिंदु है, ये मूल बिंदु। यहाँ पर x और y दोनों ही क्या होते हैं, जीरो होते हैं इस बिंदु पर। अब sin x का बनाना है, तो sin x का क्या करना है, इससे हम कंप्लीट कराते हुए चलेंगे। तो कंप्लीट कराने का मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ है जी, ये ऐसे बनने वाला है, ऐसे नीचे नहीं जाएगा, बस इसी में बनता हुआ जाने वाला है ऐसे। तो ये बन गया इसका भैया ग्राफ। अब इसमें कुल इक्वेशन जो बनने वाली हैं, वो सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक लेना, ये जीरो हो गया एक्स का मान, ये इतना मान कितने अंश का होता है, पाई होता है, और ये इतना मान कितना होता है, टू पाई होता है, ठीक है। पाई ये हुआ, टोटल कितना हो गया, टू पाई, और हमको जीरो से कहाँ तक चाहिए, टू पाई तक चाहिए भैया। तो कहाँ का हमको एरिया चाहिए, इस भाग का एरिया चाहिए हमको, इतने भाग का हमको एरिया चाहिए। अब एक बात याद होनी चाहिए भैया कि साइन है ग्राफ, और हमको पता है साइन वाला जो होता है फंक्शन, वो जीरो से पाई के बीच में क्या होता है भैया, धनात्मक होता है,
और पाई से 2π के बीच में क्या होता है, साइन ऋणात्मक होता है। तो हमको ये तो पता है कि पाई से लगा करके 2π तक ये जो वैल्यू है ये ऋणात्मक आएगी, और ये वैल्यू इतनी कितनी आने वाली है, धनात्मक आने वाली है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, मापांक फलन का यूज करेंगे, अर्थात इस क्षेत्र का जो एरिया है वो हम बांट रहे हैं। इस वाले भाग का एरिया हमने मान लिया A1 है, और इस वाले भाग का एरिया हमने मान लिया भैया A2 है। तो हमारा जो एरिया आने वाला है A = वो किसके इक्वल आने वाला है, A1 + A2 के इक्वल आने वाला है। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा A1 है भैया, जो हमारा A1 है वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। हमको पता है कि A1 क्या होने वाला है, ऋणात्मक होने वाला है। तो हमको जब पता है A1 ऋणात्मक हो, A2 ऋणात्मक होगा, तो A1 तो पॉजिटिव होगा ही होगा, प्लस एरिया निकाल रहे हैं। A2 जो होगा वो ऋणात्मक है, A2 जो है वो क्या है, ऋणात्मक है। तो हमको पता है जब A2 ऋणात्मक होगा तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, मापांक लगा देंगे, ताकि ये मान धनात्मक आए। एरिया होती है अदिश राशि, हमको एरिया लेनी है चाहे प्लस का आवे चाहे माइनस का आवे। माइनस का आ रहा है तब भी ऐड करना है भाई, कुछ ना कुछ एरिया कवर होगा कि नहीं होगा, कुछ ना कुछ एरिया इसका होगा, तो टोटल मिला करके एरिया निकालना है। तो अगर ये प्लस ये माइनस तो ये दोनों घट करके जीरो हो जा सकते हैं, हो सकते हैं जीरो नहीं भी हो सकते हैं, माइनस वाला एरिया बचेगा क्योंकि प्लस वाला छोटा है। तो हम करते क्या है यहाँ पर भैया, कि जब हमको पता है A2 ऋणात्मक होगा तो हम यहाँ पर मापांक लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, मापांक लगा देते हैं। तो मापांक लगाने से ये हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि जो जो ग्राफ मतलब हमारा मान आएगा वो धनात्मक वाला ही आएगा, अंदर अंदर ऋणात्मक होगा लेकिन ये जो मॉड है ये क्या बना देगा, इसे धनात्मक बना देगा। तो ये A बराबर 2 बनेंगे। एरिया करते क्या है यहाँ पर भैया, हम एक अल्पांश लेते हैं छोटा सा, क्योंकि ये x अक्ष पर है तो ये dx हो जाएगा और ये हमारा क्या बन जाएगा, y। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है इसकी y, चौड़ाई कितनी है dx, ydx। कहाँ से कहाँ तक हमको इसका एरिया चाहिए, 0 से लगा करके पाई तक है, 0 से लगा करके पाई तक हमारा A1 है। फिर प्लस, अब A2 वाले पर भी अल्पांश लेंगे हम, तो A2 पर जब हम अल्पांश लेने जाएंगे, यहाँ पर एक अल्पांश लेते हैं छोटा सा एरिया, ये वक्र है ना तो छोटा ही मानना पड़ेगा। तो ये x अक्ष का है तो dx, और ये y अक्ष के समांतर है तो ये y हो जाएगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी हमारी है dx। अब इसका एरिया भैया हमको कहाँ से कहाँ तक चाहिए, पाई से लगा करके 2π तक चाहिए, पाई से लगा करके 2π तक चाहिए। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसका जो एरिया है भैया वो क्या आने वाला है, ऋणात्मक, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, पहले से ही मॉड लगा देंगे। क्या लगा देंगे भैया, हम मॉड लगा देंगे यहाँ पर, हो गया भैया। अब हमको केवल और केवल करना क्या है, अब हमको केवल और केवल वैल्यू रखनी है। तो ये हमारा पाई से वाई हमारा जो है वो यहाँ पर हम रख देंगे। तो सबसे पहले हम समाकलन किए ले रहे हैं, क्या किए ले रहे हैं, समाकलन। तो इस ग्राफ को थोड़ा छोटा कर दिया जाए, ठीक। अब इसका समाकलन हम इधर कर रहे हैं, किसका, एक्स साइन एक्स डी एक्स, ठीक। y का मान अभी हम रखेंगे ना, तो इसका समाकलन क्या होगा वो चीज़ देख लेते हैं। तो इसको हम करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड मान करके लगाते हैं। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड। x वेरिएबल है हमेशा फर्स्ट लेते हैं आइलेट के हिसाब से। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, खंड सा लगाएंगे तो फर्स्ट यानी कि एक्स इंटू समाकलन करना है सेकेंड का, माइनस फर्स्ट का अवकलन dx ऑफ फर्स्ट हमारा क्या था x, इंटू सेकेंड का समाकलन, सेकेंड क्या हमारा साइन x dx। अब हम हल करेंगे तो x साइन x का क्या होता है समाकलन, माइनस कॉस x, फिर माइनस x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, फिर सेकेंड का समाकलन साइन x का माइनस कॉस x, तो माइनस माइनस प्लस का कॉस x, और ये इंटू में था
दोनों इंटू में थे ना, एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन वन। अब साइन एक्स का कॉस साइन एक्स का हो गया माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस। अब कॉस एक्स का वन से मल्टीप्लाई कॉस एक्स, कॉस एक्स का समाकलन करेंगे तो क्या होता है साइन एक्स होता है प्लस का, और ये माइनस का एक्स कॉस एक्स, ये हो गया इसका समाकलन। अगर हम यहाँ पर वाई की वैल्यू डालेंगे तो इसका समाकलन कितना आने वाला है हल करने पर, यह आने वाला है माइनस का एक्स कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स। समाकलन तो हो गया, अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगानी, जीरो से पाई तक प्लस, इसका भी समाकलन यही आएगा, बस इसमें क्या लगाना है भैया परिमाण, कहाँ से कहाँ तक मॉड लगाना है, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स, कहाँ से कहाँ तक, पाई से लगा करके टू पाई तक। अब लिमिट डालने का तरीका, अपर लिमिट यानी ऊपर वाला एक्स की जगह पर और माइनस नीचे वाला, अपर लिमिट यानी माइनस पाई कॉस पाई प्लस साइन पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस प्लस एक्स की जगह पर जीरो, तो ये पूरा मान जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो माइनस ये यहाँ का माइनस यहाँ का प्लस माइनस साइन जीरो, ठीक साइन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। चलिए ये हो गया हमारा लिमिट इसका, अब इसका प्लस का मॉडुलस, माइनस का एक्स अपर लिमिट, अपर लिमिट हमारा एक्स की जगह पर क्या डालना सबसे पहले टू पाई कॉस टू पाई प्लस का साइन टू पाई, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट अब की बार क्या डालना है एक्स की जगह पर पाई, तो ये माइनस प्लस पाई कॉस पाई, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस साइन क्या है एक्स की वैल्यू अब की बार पाई, और ये मॉड। फिर आगे कितना होने वाला है भैया, कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन होता है, माइनस वन का गुणा पाई से कराएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का पाई, तो ये वैल्यू क्या होती है भैया इनकी वैल्यू लिख ले लेंगे, ठीक है इसकी वैल्यू माइनस वन होती है, कॉस साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है, ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये भी मान साइन जीरो का मान जीरो, कॉस टू पाई की वैल्यू अगर जो निकालनी है तो ये वैल्यू जो होती है ये किस चतुर्थांश में जाता है भैया, ये वाले थर्ड क्वाड्रेंट, और कॉस टू पाई प्लस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है वो भी धनात्मक का, तो इसकी वैल्यू प्लस की वन होती है, ठीक है भैया। और ये साइन टू पाई साइन जीरो साइन पाई साइन टू पाई थ्री पाई इनकी वैल्यू जो होती है भैया वो क्या होती है, वो होती है हमेशा जीरो। अब यहाँ पर बात करेंगे कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन होती है, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है, तो हल करेंगे तो माइनस वन का गुणा पाई से तो ये हो जाएगा पाई, और ये मान पूरे जीरो हो गए, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिखे दे रहे हैं पाई लिखे दे रहे हैं, किसका आएगा प्लस का। यहाँ पर हल करेंगे माइनस का टू पाई का गुणा वन से कराएंगे टू पाई, ये तो पूरा जीरो हो गया, और ये माइनस का पाई, भाई ये प्लस का पाई माइनस का वन माइनस का पाई, और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है जीरो। हल करने पर भैया ये कितना हो जाएगा, आगे पाई है प्लस प्लस, और ये माइनस का थ्री पाई हो जाएगा, मॉड लगा है तो मॉड के बाहर आएगा, तो माइनस की जगह पर कौन सी वैल्यू मिलेगी प्लस, और इज इक्वल्स टू कितने पाई हो जाएंगे फोर पाई स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई, ये जो है इसका आंसर बनने वाला है, क्या बनने वाला है आंसर बनने वाला है, बस यही था इसमें करने को और कुछ करना नहीं था, ठीक है भैया। अब इसमें एक बात ये है कि अगर आंसर लाना है, आंसर इन्होंने कैसे लाया है, तो आंसर इन्होंने ये जो मॉड है ये मॉड नहीं लगाया है,
ये पाई माइनस टू पाई और माइनस का पाई, ये कैंसिल आउट होकर के कितना आंसर दे रहे हैं, माइनस का टू पाई, और ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि कॉस का साइन जो एरिया होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। तो इसलिए हम हमेशा कितना लाते हैं, ये एक क्वेश्चन में नहीं है, ये अकेले में हर एक क्वेश्चन में यही मॉड लगा करके, खुद साइन एक्स के क्वेश्चन में हमने बताया था मॉड लगा करके सॉल्व करना रहता है। तो ये आंसर हमारा परफेक्ट, ये आंसर सही है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन हम जल्दी बढ़ते हैं, देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है 8, कह रहा परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष कामा नाभिलंब तथा कोट एक्स बराबर 2 के मध्य स्थित है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। किसका ग्राफ बनाएंगे, परवलय का। किसका ग्राफ बनाएंगे, हम परवलय का ग्राफ बनाएंगे एक। ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, ठीक है। एक्स एक्स डैश, अच्छा एक चीज है कि जो ग्राफ बनेगा हमारा वो इधर का ही बनने वाला है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे ऐसे ही बनाएंगे, ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, और ये परवलय का प्रथम फॉर्म वाला जो समीकरण है वो है। और प्रथम फॉर्म वाला हमने बताया था कहाँ से, ये इसका ग्राफ कैसे बनता है, तो इसका ग्राफ मूल बिंदु से जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि x का मान 0 डालने से y 0 हो रहा है। हमेशा x का मान देखो कैसा पॉजिटिव है, x की घात 1 है और x का मान कितना है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव x की तरफ इसको खोलना है। ये चीज़ हमने समझाया भी था पहले वाले वीडियो में, पॉजिटिव x की तरफ खोलना इसे। तो ये हमारा बन गया परवलय का ग्राफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। अब इसमें करना क्या है भैया, कि अब इसमें ये करना है कि नाभि क्या होती है वो देखते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट होता है इसका, जिसका निर्देशांक क्या होता है, a कामा 0, किसी भी परवलय की जो नाभि होती है, इस वाले खास बात की, इसकी नाभि क्या होती है, इसका केंद्र कह सकते हैं, वो क्या होता है हमारा s, नाभि से लिखा जाता है, a कामा 0 इसका निर्देशांक होता है, ठीक है। और इससे होकर के जो रेखा जाती है, इससे होकर के जो लंब डाला जाता है, जो भी रेखा जाती है नाभि से होकर के, परवलय के नाभि से होकर के जो भी रेखा जाती है उसे नाभि लंब कहते हैं। और एक खास बात है, नाभि लंब के जो सिरों के निर्देशांक होते हैं ऊपर कितना होता है 80 स्क्वायर कामा 280, और जो नीचे वाला होता है वो कितना होता है 80 स्क्वायर कामा माइनस का 280, कोई कोई क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो याद रखने के लिए ये कह सकते हैं। तो ये हमारा नाभि लंब हो गया। अब परवलय कह रहा था, परवलय हमने ले लिया, x अक्ष कह रहा था तो x अक्ष को भी शामिल करना है, ठीक, नाभि लंब को भी शामिल करना है, परवलय को भी शामिल करना है, और साथ ही साथ कोटि दी गई x बराबर 2ax, ये हमारा कितना है x बराबर a का है, इतना भाग a है, तो इधर बढ़ेंगे तो ये हमारा यहाँ कहीं पर क्या मिलने वाला है 2a, और यहाँ से हम क्या खींच देंगे, एक रेखा खींच देंगे, क्या खींच देंगे भैया, एक रेखा x बराबर 2a का, ये किसका किसकी रेखा है, x इक्वल्स टू 2a, जो कि किसके समांतर होता है हमेशा y अक्ष के समांतर होता है, ये ऐसे। अब बताना क्या है, उस भाग का एरिया हमको निकालना है यहाँ पर भैया, कि उस भाग का एरिया हमें यहाँ पर निकालना है जो सबसे पहली चीज एक्स अक्ष आवे, जिसमें एक्स अक्ष परवलय भी आवे, उसमें परवलय भी आवे, ठीक, साथ ही साथ क्या कह रहा है, नाभि लंब आवे, नाभि लंब या तो ऊपर लेना या तो नीचे वाला लेना, और साथ ही साथ ये कोटि नाभि लंब, ये हमारा भैया ठीक है, नाभि लंबी है और ये कोटि आवे, तो एक्स अच्छा आवे, परवलय वाला वक्र आवे, नाभि लंबा आवे और कोटि आवे, तो इतना इसमें ही आ रहा है। अगर एक्स अच्छा ना कहता तो नीचे वाला भाग भी ले लेते, या तो ऊपर वाला भाग लो और या फिर नीचे वाले भाग लो, क्योंकि नीचे वाले भाग में भी इतना सारा चीज है, नाभि लंब है,
कोटि है, वक्र है, एक्सच है, तो इन्हीं के बीच वाला भाग हमको चाहिए। तो इतना भाग चाहिए, या तो नीचे वाला लो या तो ऊपर वाला लो, तो दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिक हैं, तो दोनों हो सकते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या हैं भैया, यहाँ पर सिमेट्रिक हैं, तो दोनों हो सकते हैं। अब करना क्या है, हमने मान लिया इस वाले भाग का एरिया निकालना, तो यहाँ पर हमको क्या खींच लेना रहता है, एक अल्पांश, क्या लेना रहता है, अल्पांश लेना रहता है। और उस अल्पांश, क्योंकि वो अल्पांश एक्स अक्ष का है, तो वो क्या होगा, dx, और ये हमारा क्या बन जाएगा, y। इसी का हमको एरिया निकालना है। और ये कहाँ से कहाँ तक लेना है हमको, इसका मान कहाँ से, एरिया कहाँ से कहाँ तक लेना है, x बराबर ये a से लगा करके कहाँ तक जाना है, x बराबर 2a तक जाना है, तो इतने भाग का ही लेना है। तो इसका एरिया कितना होने वाला है, इस वाले भाग का एरिया, छायांकित भाग का एरिया, a इज इक्वल्स टू, लंबाई कितनी है इसकी, y है, पट्टी जो मानी गई है, चौड़ाई कितनी है, dx। कहाँ से कहाँ तक लेना है हमको भाई, छोटी छोटी पट्टियाँ लो, या तो फिर एक छोटे अल्पांश का क्षेत्रफल निकालो और उसी का कर दो समाकलन। कहाँ से कहाँ तक करना है, a से लगा करके 2a तक हमको इसकी वैल्यू चाहिए एरिया की, ये हो जाएगा। अब हम करते क्या हैं, इसको वैल्यू रखते हैं y की वैल्यू, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो a एरिया है, फलन बन गया है, इसमें दो वेरिएबल, एक y और दूसरा dx। d वाला तो हटाते नहीं है, y वाला हटाते हैं, क्योंकि लिमिट किसकी है, a की, तो y वाला का मान x के रूप में रखना है। तो ये हमारा y का मान अगर हम निकालेंगे यहाँ से, तो ये कितना आने वाला है, y का मान आने वाला भैया अंडर दो, चलिए एक लाइन और देख लेते हैं, अंडर रूट में y का मान निकालेंगे 4ax। अच्छा, ये क्यों किया, क्योंकि हमको वक्र की ज़रूरत, रेखा की ज़रूरत नहीं है, वक्र के लिए चाहिए। तो स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट लग जाएगा, और इनटू में dx, कहाँ से कहाँ तक, a से लगा करके 2a तक। अब एक लाइन और देख लेते हैं, कांस्टेंट वाला पार्ट बाहर निकालेंगे, 4 रूट के बाहर आएगा 2, a रूट के बाहर आएगा नहीं, रूट के अंदर a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, रूट में x का मतलब पावर 1 बटा 2। dx कहाँ से कहाँ तक चाहिए, इसका मान a से लगा करके 2a तक चाहिए, है ना बच्चों। आगे अब समाकलन करेंगे, x की पावर n का समाकलन, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, कहाँ से कहाँ तक इसकी वैल्यू, समाकलन हो गई, अब इसकी वैल्यू जो है हमें a से लगा करके 2a तक चाहिए, और आगे कितना है, 2 रूट a। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 रूट का a इंटू, इसे सॉल्व करेंगे तो x की पावर कितना हो जाएगा, 3/2। कहाँ से कहाँ तक इसकी वैल्यू चाहिए, a से लगा करके 2a तक चाहिए, हमको x वाले भाग का चाहिए। एक में आधा जोड़ेंगे तो 1/2 यानी 3/2 होगा, और 3/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसका x के मान से कोई निर्भर नहीं, कोई मतलब नहीं, तो ये बाहर, तो 3/2 बाहर आ जाएगा, 3/2 कहाँ आ जाएगा, बाहर, 3/2 बाहर, तो 2 कहाँ चला जाएगा भैया, ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 4 अंडर रूट a, और बटे में कितना हो गया भैया, 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट डालना है, लिमिट x की अपर लिमिट, x की ऊपर वाली वैल्यू कितनी है, 2a है, तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी है, x का ऊपर वाला मान है 2a का होल पावर कितना लेना है, दिया गया 3/2, फिर माइनस का चिन्ह, x का नीचे वाला मान कितना है, लोअर लिमिट a है, तो x की जगह पर a, और पावर कितनी लगी है, 3/2। हल करेंगे तो ये कितना आने वाला है भैया, आगे 4 अंडर रूट a के बटे में 3, और अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 की घात 3/2 का मतलब क्या हुआ, 3/2 का मतलब 1/2 का मतलब क्या हुआ, 1 पूरा 2 और 1 आधा 2, आधे 2 का मतलब अंडर रूट 2। ऐसे ही इसमें करना है, एक बार a का मान पूरा लेना है और एक बार अंडर रूट में लेना है, और फिर माइनस का चिन्ह। यहाँ पर देखो, a का मान एक बार पूरा लेना है और एक बार आधा लेना है, भाई 1/2 का मतलब यही हुआ, 1 की पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ, 1 की पावर 1 और 1 की पावर 1/2, गुड़े में घाते जुड़ जाती, जब आधार समान हो, 1 में आधा जोड़ेंगे तो 1/2, तो 1/2 आधे का मतलब रूट, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं हम,
ये दो रूट दो में से अगर हम ए रूट ए ये वाला पूरा पार्ट हम क्या करेंगे कामन लेंगे, जो कामन है उसे कामन लेंगे। कामन कितना आ रहा है भाग भैया, ए रूट ए बाहर आ रहा है कामन, तो ए रूट ए बाहर आ जाएगा। अंदर कितना बचा, यहाँ पर टू रूट टू और यहाँ पर फिर माइनस वन, ये बाहर चला गया। ठीक है, ये आपस में घट नहीं पाएंगे। अब इनका गुणा कराएंगे तो फोर ए अंडर रूट ए का गुणा अंडर रूट ए से कराएंगे तो ए हो जाएगा, और ए गुणा स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, बटे का तीन ब्रेकेट में टू रूट टू माइनस वन स्क्वायर यूनिट, ये बन जाएगा भैया इसका एरिया जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक है भैया, अब इस वाले क्वेश्चन में भी आंसर जो है वो दे रहे हैं कितना, आठ ए स्क्वायर बटे तीन ब्रैकेट में दो अंडर रूट दो माइनस एक। और नीचे हम क्वेश्चन का जब हमें संकेत दिया जाता है नीचे कि कैसे हल करना, उसमें दिया गया जीरो से ए तक, आगे टू लगा है इंटीग्रेशन जीरो से ए तक, और ये वाला वेरिएबल रख दिया गया है वाई का मान। तो ऐसा जो लिमिट उन्होंने यूज किया है संकेत हल में, वो जीरो से लगा करके कहाँ तक हल किया भैया, ए तक हल किया है। जीरो से लगा करके हल किया है टू ए तक, ऐसी बात नहीं है, जीरो से लगा करके हल किया है टू ए तक, लेकिन इसमें इन्होंने किया क्या है कि जो यहाँ पर प्रगुण छः लगा करके जीरो से टू ए तक था, प्रगुण छः लगा करके टू आगे कर दिया, जीरो से ए तक लिमिट ले लिया गया है, यानी जितना भाग इधर उतना भाग उधर, उसके बेस पर लगाया गया है प्रगुण छः के बेस पर। लेकिन उसमें इन्होंने किया क्या है कि जो लिमिट है वो जीरो से स्टार्ट करके टू ए तक लिया है तो आगे टू लगा है, जो इन्होंने लिया है वो टू, आप देख सकते हैं बुक तो होगी ही आपके पास ए तक, और फिर हमारा ये फलन है वाई डी एक्स। तो ऐसा करने से क्या होगा भैया, ये जो प्रगुण छः, सबसे पहली चीज़ प्रगुण छः आप लोगों ने पढ़ी होगी, जीरो से टू ए तक होता है वाई डी एक्स, सम विषम फलन मान करके वो ऐसा लगाते हैं। तो जीरो से टू ए तक भैया हमको नहीं चाहिए, अगर जीरो से टू ए तक चाहिए तो हमारा नाभिलंब काटिए। सबसे पहली चीज इसमें इन्होंने नाभिलंब को यूज में लिया है, बुक में ऐसे दे दिए कि नाभिलंब को यूज में लिया ही नहीं उन्होंने, नाभिलंब को यूज, अगर नाभिलंब ना होता तब हम जीरो से टू ए तक ले सकते थे, लेकिन जब नाभिलंब से कह रहा है, एक्स अक्ष कह रहा है, नाभिलंब कह रहा है, कोटि कह रहा है, और वक्र को लेकर के एक ग्राफ खींचना है, तो इतना ये तो आंसर इतना ही आएगा। एक इसमें ये भी कह सकते हैं कि अगर एक्स अक्ष ना कहते तो ऊपर वाले भाग का और नीचे वाले भाग का एरिया आ जाता, आगे दो से गुणा करा देते, दो दुनी चार दुनी आठ वो हो जाता, लेकिन एक्स अक्ष ना कहते तब होता ऐसा। तो एकदम जो क्वेश्चन है उसका परफेक्ट आंसर जो होगा वो बच्चा यही होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर एट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर नाइन, वक्र y इक्वल्स टू एक्स ब्रैकेट x माइनस वन x माइनस टू x अक्ष तथा कोटियों x बराबर जीरो तथा x बराबर तीन के मध्य स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो x अक्ष और कोटियां लेनी है। ठीक है, तो ये जो हमारा वक्र दिया गया है इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू आने वाला है, और इसमें x का गुणा कराएंगे तो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स आने वाला है, जो कि हमारा एक क्यूबिक इक्वेशन है, और क्यूबिक इक्वेशन जो होता है उसका जो ग्राफ बनता है वो भैया कुछ ऐसा बनता है, ऐसा बनता है जैसे टैन एक्स का बना था। ठीक है, अनंत तक जाता है, ऐसे 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 अनंत तक। ठीक, ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसमें क्यूबिक इक्वेशन में ये वक्र दे दिया गया हमें क्यूब का, और इसमें क्या कर रहा है, एक्स अक्ष कह रहा है, एक्स अक्ष कह रहा है, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया। अब क्योंकि ये मूल बिंदु से होकर के जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्स का मान जीरो डालने पर वाई का मान जीरो हो रहा है, अगर बनाएंगे तो बनाएंगे, और यहाँ पर जीरो से लगा करके कहाँ तक हमको चाहिए, तीन तक, तो मान लेंगे थ्री यहाँ कहीं पर है, तो जीरो से लगा करके थ्री के बीच में ये इतना वक्र ही आ रहा है, इतने भाग का हमको क्या चाहिए भैया, एरिया चाहिए। तो इतने भाग का एरिया निकालने के लिए हम करते क्या हैं भैया, कि एक अल्पांश लेते हैं, क्या लेते हैं हम हमेशा, अल्पांश एक लेते हैं, ऐसे एक्स अक्ष का अल्पांश है
तो x अक्ष का अल्पांश है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा भैया, dx हो जाएगा, और ये कितना बन जाता है, y, ठीक है। और ऐसे ही जीरो से लेकर के हम 3 तक इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इस पट्टी का जो एरिया आने वाला है, एरिया छायांकित भाग का जो एरिया होगा, वो एरिया बराबर लंबाई, लंबाई वाई हो गई, चौड़ाई कितनी हो गई dx, एक्स अक्ष के लिए। अब ऐसे ही छोटे छोटे मन हो 0 से 3 तक पट्टियाँ मान लो, उनका एरिया निकालो फिर जोड़ो, या फिर एक पट्टी का निकाल लो और उसका कर दो समाकलन। कहाँ से कहाँ तक हमको एरिया चाहिए, 0 से लगा करके 3 तक चाहिए, बस इतना करना था। ये वैल्यू हम यहाँ पर अगर डालेंगे तो 0 से 3 तक वैल्यू डालना, एक्स क्यूब वाई का मान है, -3x² प्लस का 2x और फिर dx। अब आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो x क्यूब का क्या होता है समाकलन, x^4/4 बाहर आ जाएगा, और कहाँ से कहाँ तक इसकी वैल्यू चाहिए, 0 से लगा करके 3 तक, फिर माइनस का 3 है आगे लिख देंगे। x² का समाकलन कितना होता है, x³/3, 3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट वाला है, 0 से लगा करके 3 तक हमको इसकी वैल्यू चाहिए, प्लस लगा प्लस 2 तो प्लस 2, एक्स का समाकलन करेंगे तो ये हो जाता है x² और 2 बट्टे में था बाहर आ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये कितना बचा 1/4, अपर लिमिट यानी कि एक्स की ऊपर वाली वैल्यू कितनी है 3 है तो 3 रखेंगे, power 4 लगी है, माइनस नीचे वाली कितनी वैल्यू है 0 है, power 4 है, 4 रख देंगे, फिर माइनस एक्स की अपर लिमिट कितनी है भैया 3 है तो 3, पावर लगी है 3, माइनस लोअर लिमिट एक्स की नीचे वाली वैल्यू 0 है, power 3 है 3, प्लस एक्स का ऊपर वाला मान कितना है, एक्स का ऊपर वाला मान 3 है, पावर कितनी लगी थी 2, माइनस नीचे वाला मान कितना है 0, पावर कितनी लगी थी 2। हल करेंगे तो 3^4 तो 3 * 9 3×27 = 81, 81 में से 0 घटाएंगे तो 81 आएगा बटे का 4। अब आगे x³ का मतलब 27, फिर ये प्लस का था, x² का मतलब होता है 9। हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 9 बचेगा ना, माइनस का 18 बचेगा, माइनस का कितना बचेगा 18, तो ये कितना आ गया 81/4 और 27 में से 9 गया 18 बचेगा, 18 * 4 = 72, 72 81 से 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा भैया 9 बचेगा, 9/4 स्क्वायर यूनिट, ये बन जाएगा इसका फाइनल आंसर। इतना था इस क्वेश्चन में, तो बस ऐसे ही हर एक क्वेश्चन करने हैं, कुछ ज़्यादा है नहीं, बस एक बार आप पकड़ने में आ जाएंगे कि हाँ क्वेश्चन कैसा लगेगा, बस सॉल्यूशन तो लग ही जाएगा, उसका आंसर तो आ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्र y = cos x, x = 0 से x = 2π तक, इसका हमको निकालना है भाग का एरिया। तो सबसे पहले इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है, तो ये हमारा वाई अक्ष हो गया और ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, और हमने बताया था जो एक्स अक्ष का ग्राफ होता है वो कैसा बनता है, एक्स अक्ष का जो ग्राफ होता है वो 1 से शुरू होता है ऐसे और ऐसे जाता है, ठीक है, ये कुछ ऐसा बनता है भैया, ऐसे बनता है। अब इतना मान कितना होता है, ये π/2 होता है, 90°, फिर इतना, ये इतना मान, फिर ये भाई पूरा 180 है, तो ये आधा कितना हुआ 90, तो ये 90, ये 90, 180, 180 में 90 जोड़ेंगे, यानी कि π/2 था, π/2 में π/2 जोड़ा तो पाई बना, पाई में π/2 जोड़ेंगे तो 1π में आधा पाई जोड़ेंगे तो 1.5π, और फिर आधा जोड़ेंगे तो 2π, ठीक है। तो यहाँ तक आएगा भाग, तो ये x = 2π का ग्राफ है, x = 0 का ग्राफ, y अक्ष पर ही तो x का मान 0 होता है, और ये x = कितने पाई का है 2π। अब इसके बीच का जो भाग है
वक्र और रेखा के बीच का जो भाग है वो कितना है? ये वाला भाग है, ये वाला पूरा भाग है और ये वाला पूरा उभयनिष्ठ भाग है। तो इस भाग का हमको एरिया निकालना है। इस भाग का हमें क्या निकालना भैया? एरिया निकालना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम सब लोग, जो हमारा मान है वो सिमेट्रिक आकृतियाँ कितनी हैं, सिमेट्रिक आकृतियाँ कितनी हैं? तो एक, दो, तीन, ये एक दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, और जितना मान ये वाला आएगा उतना ही इतना आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी एक के लिए हम यहाँ पर पट्टी ले लेते हैं और ये हमारी x अक्ष की है तो dx, और ये हमारा कितना हो जाएगा y। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई वाई है, चौड़ाई कितनी है? डी एक्स, ठीक है। और इसका करेंगे हम समाकलन कहाँ से कहाँ तक? जीरो से टू पाई, और जीरो से टू पाई तक करो समाकलन, क्योंकि इसके बीच में कॉस के बहुत सारे मान ऋणात्मक होते हैं, जैसे यहाँ वाला मान ऋणात्मक होगा पाई से टू पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू तक, समझ आई बात? 90 से 270 अंश, तो ये मान ऋणात्मक, ये धनात्मक, ये धनात्मक। तो इसका इससे अच्छा है कि हम सिमेट्रिक आकृति ले लें। अब इसमें कितनी सिमेट्रिक आकृतियां बनी हुई हैं भैया, वो देख सकते हैं हम लोग। अभी हमने बताया चार सिमेट्रिक आकृति हैं, बशर्ते हमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी है, ये जीरो है, जीरो से लगा करके हम पाई बाई टू तक लेंगे, जीरो से लगा करके पाई बाई टू तक लेंगे, और वाई का मान कितना है? कॉस एक्स है, और डी एक्स, कॉस एक्स का समाकलन करते हैं तो कितना आता है? साइन एक्स होता है। जीरो से कहाँ तक? पाई बाई टू तक, आगे कितना लगा है? फोर। अब वैल्यू डालेंगे, अपर लिमिट कितनी है? पाई बाई टू माइनस लोअर लिमिट कितनी है? जीरो। साइन एक्स का है ना, एक्स का ऊपर वाला मान पाई बाई टू, नीचे वाला मान जीरो। साइन पाई बाई टू का मान कितना होता है? एक होता है, माइनस साइन जीरो का मान एक होता है, वो जीरो होता है भैया। एक में से जीरो घटाएंगे तो एक बचेगा, आंसर कितना है? चार। स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ऐसे लगाने हैं आपको, तो आपके ऊपर है आप कैसा समझते हैं। इसका एरिया प्लस, इसका माइनस, इसका एरिया प्लस। तो जीरो से टू पाई के बीच में बहुत सारे माइनस के भी आते हैं मान, और ये हमको पता करना होता है कि माइनस कहाँ पर है। नहीं एरिया निकालेंगे तो वो घट घट जाएगा ना एरिया, और एरिया को घटाना नहीं है, कवर तो कुछ कर रहा है ना। तो सबसे अच्छी बात है सिमेट्रिक आकृतियाँ देखिए, सबसे अच्छा परफेक्ट है। चार सिमेट्रिक आकृति है, कहाँ से? जीरो से पाई बाई टू के बीच में, एक दो तीन चार, सभी में 90-90 अंश के लिए गए हैं। तो 90-90 अंश की चार सिमेट्रिक आकृतियाँ कॉस एक्स बना रहा है, कहाँ से कहाँ तक? जीरो से टू पाई तक। तो चार से गुणा कराइए, और जीरो से 90 अंश तक हमको पता है कॉस का मान धनात्मक होता है, ये करना रहेगा। और सबसे परफेक्ट आसान मेथड है सिमेट्रिक वाला, यानी सममित आकृति वाली। अब इतना हो ही गया, चलिए आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो अब की आने वाला है वो आने वाला है 11। क्या है? y इज इक्वल्स टू टेन एक्स, x इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई फोर से प्लस पाई बाई फोर तक। तो ये तो आसान ही है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, x कोटियाँ किसकी हैं? x की, तो d किसका होगा? x का। बस ये याद रखिए, चाहे अभी हमने जो बताया था ग्राफ वो होता है टेन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ये कुछ ऐसे होते हैं टेन एक्स के ग्राफ, अनंत से चल गए अनंत तक। इनका जो रेंज होता है वो अनंत से माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच का होता है, ठीक है। और जो रेंज हो वो डोमेन होता है वो भी माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट। वाई जो होता है वो रेंज बताता है, एक्स जो होता है वो डोमेन्स को बताता है। तो ऐसे ही यहाँ पर लेना है हमको, ये हमारा पाई बाई फोर माइनस का यहाँ कहीं होगा, और यहाँ कहीं पर पाई बाई फोर प्लस का होगा, ऐसे। तो इतने भाग का हमको क्या चाहिए होगा? एरिया, माइनस पाई बाई फोर से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अल्पांश पता ही हमको, यहाँ पर अल्पांश लेते हैं एक,
तो ये x अक्ष पर है, तो ये dx और ये क्या बन जाएगा, y, ठीक है। और इसी का तरह उधर भी मानेंगे, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करनी है, माइनस के पाई बाई फोर से प्लस के पाई बाई फोर तक। खास बात इसमें ये होने वाली है कि इसका जब मान निकालेंगे तो वो जीरो आएगा। क्या आने वाला है इसका मान, हमको जीरो मिलने वाला है। प्रगुण पाँच, अगर हर स्वरूप शर्मा आप पढ़ते हैं तो उसमें प्रगुण पाँच है। अब प्रगुण क्या है इसमें, वो चीज़ देखते हैं। प्रगुण अगर कहीं पर भी हो, ये वाला कि माइनस ए से लगा करके प्लस ए तक, माइनस ए से लगा करके प्लस ए तक कोई फलन दिया जाएगा एफ एक्स डी एक्स, तो इसमें दो तरीके के मान हो सकते हैं, इसके दो मान हो सकते हैं। एक सम फलन बन सकता है, एक इवन फंक्शन और एक ऑड फंक्शन, सम विषम फलन। उसको निकालने के लिए हमारे पास मेथड है एक, वो मेथड क्या है, अगर x की जगह पर, x की जगह पर फलन में x की जगह पर माइनस एक्स डालें, और फलन के मान दो तरीके के हो सकते हैं, उसका मान प्लस का भी एफ एक्स हो सकता है और माइनस का एफ एक्स हो सकता है, यानी फंक्शन में एक्स की जगह पर हमको माइनस एक्स डालना रहेगा बस। अगर प्लस का एक्स आ रहा है तो वो इवन होता है, और अगर माइनस का एक्स आता है तो ऑड होता है, और इस तरीके के ऑड वाले फंक्शन के मान जो होते हैं वो जीरो होते हैं। इवन वाले का जो होगा तो उसका मान होता है जीरो से लगा करके ए तक, टू आगे हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। ये होता है प्रॉपर्टी, हर स्वरूप शर्मा जो होती है उसमें फाइव प्रॉपर्टी है, पांचवे नंबर की प्रॉपर्टी है हर स्वरूप शर्मा से। बाकी एनसीईआरटी में जो होगा आप देख सकते हैं, ऐसा अगर कोई है तो ऐसा ही है। यहाँ पर अगर हम वाई की वैल्यू यहाँ पर भैया डालेंगे, वाई की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे, कितना है हमारे पास टैन एक्स है डी एक्स, तो फलन हमारे पास यहाँ पर टैन एक्स है, बस ये चीज़ याद रखें। कहाँ से कहाँ तक, माइनस के पाई बाई फोर से, कहाँ से कहाँ तक, माइनस के पाई बाई फोर से प्लस के पाई बाई फोर तक। तो देख सकते हैं अगर हम, ये कौन सा फलन है ये चीज़ हम देखते हैं। तो एक्स की जगह पर टैन एक्स में, टैन एक्स में एक्स की जगह पर हम माइनस एक्स डालेंगे, तो टैन माइनस का एक्स जो होता है वो माइनस का टैन एक्स होता है। हमारा फलन क्या था, टैन का था, तो फलन किस में आया है देख सकते हैं आप भैया, निगेटिव आ गया है। फलन हमारा क्या आया है, निगेटिव आ गया है। यही चीज करना रहता है हमें। तो यह कौन सा फलन है, ऑड फलन है। देखिए x की जगह पर, फलन में x की जगह पर हमने क्या लिया है, माइनस एक्स। फलन हमारा टैन एक्स है तो उसमें x की जगह पर हमने माइनस एक्स लिया, इसका मान माइनस में आ रहा है, देखिए माइनस में आ रहा है, माइनस का चिन्ह आगे आ जाए, अगर प्लस का चिन्ह आगे आएगा तो इवन, माइनस आगे आ रहा है तो ये ऑड फंक्शन हुआ, यानी कि विषम फलन। तो यह एक विषम फलन है, विषम फलन है, इसलिए जो एरिया होगा भैया वो कितना होगा आप जान ही चुके हैं, विषम फलन का मान जो होता है वो जीरो होता है, तो एरिया भी कितना होगा, जीरो ही होगा। आ रही बात, ये होता है इसका आंसर, ठीक है ना। अगर निकालेंगे तो प्रगुण से निकालेंगे तो इसका एरिया हमेशा जीरो आएगा। अगर नॉर्मल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो पहले हम माइनस के पाई बाई फोर से कहाँ तक जाएंगे, जीरो तक, फिर जीरो से पाई बाई फोर तक जाएंगे। अब हमको पता इसमें मान ऋणात्मक आएगा तो इसको हम मॉडुलस लगा करके पॉजिटिव बनाएंगे। तो यह एक सिमेट्रिक आकृति लेंगे, यहाँ पर एक डी एक्स लेंगे और ये वाई हो जाएगा, जीरो से पाई बाई फोर तक जाना है। कितनी टाइम से लेना है, दो, क्योंकि जितना इधर आएगा उतना इधर ही आएगा, तो जीरो से पाई बाई फोर तक कर दीजिए और टैन एक्स का समाकलन कर दीजिए। अगर आप प्रगुण नहीं लगा रहे हैं तब की बात है, तो आंसर दोनों ही केस में सही होने वाले हैं। तो हमारे जो बुक में है वैसे भी लगा सकते हैं, नॉर्मल मेथड जो हमारा ये हम यूज कर रहे हैं अभी तक वो भी लगा सकते हैं। टैन एक्स का समाकलन करेंगे, लॉग कॉस एक्स होता है, ठीक है, लॉग सेक एक्स होता है, माइनस का लॉग कॉस एक्स होता है, बस
यही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन होगा वो चलिए देखते हैं क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 17.1 का। क्या कह रहा है, दीर्घ वृत्त 4x² + 9y² = 36 के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के धन भागों से घिरा है। तो भैया यहाँ पर हमको बनानी है कौन सी आकृति, अब की बार दीर्घ वृत्त बनानी है। और दीर्घ वृत्त कैसा बनता है, दीर्घ वृत्त हमने बताया था जो हमारा दीर्घ वृत्त होता है, चलिए हटाइए ऐसे ही बना रहे, एक्स वाई थोड़ा सा कम कर दें ऐसे, बस ये हमारा वाई एच है, ये वाई डैश एक्स और ये होता है मूल बिंदु 0, 0। अब हमारा जो ग्राफ है जो मान है 4x² + 9y² = कितना है 36 है, और दीर्घवृत्त में बराबर के इस पार एक होता है, तो एक लाने के लिए जितना है उतने से भाग करा दो, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 9 आएगा, ये कितना आएगा 4 आएगा, और ये कितना बन गया 1। दीर्घ वृत्त के व्यापक समीकरण से तुलना कराएंगे इसकी, तो x² / 9 है यानी 3 का square + y² / 4 है तो 2 का square = कितना आया भैया 1 आया। और जो व्यापक समीकरण होता है इसका क्या होता है, x² / a² + y² / b² = 1 होता है। अगर a का मान बड़ा है b से तो हमने बताया था x अक्ष की तरफ ज़्यादा फैलाना है, अगर b जो है ज़्यादा होता a से तो y अक्ष की तरफ फैलाना है। अंडे को खड़ा खड़ा रखेंगे तो y जब बड़ा होगा यानी कि y का अंतःखंड b जो है बड़ा होगा तो अंडे को खड़ा खड़ा, अगर x वाले का अंतःखंड ज़्यादा है तो बेड़ा बेड़ा ऐसे ऐसे। तो कौन बड़ा है, 3 बड़ा है 2 छोटा है, यानी कि ये किधर मुड़ने वाला है, x अक्ष की ओर मुड़ने वाला है ज़्यादा, इसका भाग किधर जाने वाला है x अक्ष की ओर। भैया अरे भैया आ जाओ, x अक्ष की ओर ज़्यादा जाने वाला है, बस हो गया, चलिए ठीक है। तो x अक्ष का ये कौन, x अक्ष पर कितना अंतःखंड कट रहा है, देखिए भैया 3 का कट रहा है, y अक्ष पर कितना कट रहा है 2 का कट रहा है, और ये होता है -3, ये होता है -2। ये है हमारा ग्राफ कहाँ पर बनाना है, ये चीज हमको देखना है। तो सबसे पहला है वक्र लेना है, वक्र दीर्घ वृत्त ले लिया, दूसरा क्या लेना है x अक्ष लेना है, और कौन लेना है y अक्ष, और इन दोनों को शामिल करके उस भाग का एरिया लेना है जो x अक्ष के धन भाग में आवे। x अक्ष के धन भाग वाला ये है और y अक्ष के धन भाग वाला ये है, और ये वक्र जो हमारा दिया गया वो ये है, और इसका एरिया ही निकालना है हमको, इसके बीच का भाग इतना ही आएगा, और इसी का हमको क्या निकालना भैया, एरिया निकालना है, इसी का क्या निकालना है एरिया। तो उसके लिए हम करते क्या हैं, यहाँ पर एक अल्पांश लेते हैं, क्या लेते हैं एक अल्पांश, और ये हमारा x अक्ष का है तो ये कितना हो जाएगा dx, और ये y अक्ष का है तो y, ऐसे भी अल्पांश ले सकते हैं, तब y dy हो जाता है, x x हो जाता है ना, dx ना लेते, और ये कितना मान है हमारे पास 0। तो बस इसका एरिया कितना आने वाला है वो चीज़ देख लेते हैं, तो एरिया इसका कितना आएगा, छायांकित भाग का एरिया लंबाई y है, चौड़ाई कितनी है dx है, समाकलन कहाँ से कहाँ तक करना है एक dx, x d किसका है x का, तो कोटि x की लेनी है, 0 से कहाँ तक जा रहा है 3 तक। सेकंड वाला मेथड क्या है, सेकंड वाला मेथड ये है कि अगर हम यहाँ पर dx ले, d किसका लेते y का, तो ये x हो जाता, तो कोटि किसकी लेनी पड़ती हमको y की,
हमेशा डी जिसका होता उसी की कोटि होती है। तो ये जीरो से कहाँ तक जाना पड़ता हमको, टू तक। तो जीरो से टू तक इसका क्या होता है मान, एक्स डी वाई हो जाता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। चाहे वो करिए चाहे ये करिए, दोनों के दोनों ही आंसर देने वाले। इसमें वाई का मान हम रखेंगे, तो यहाँ से वाई का मान जब उठाएंगे तो ये मान इधर आ जाएगा, तो ये मान इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। चलिए यहीं पर देख लेते हैं, ये पूरा मान इधर आएगा तो कितना बचेगा इधर हमारे पास, वाई स्क्वायर अपॉन में कितना है टू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर के बटे में कितना है थ्री का स्क्वायर। अब इसका गुणा इधर कराएंगे तो थ्री का स्क्वायर क्या होता है नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, और थ्री का स्क्वायर कहाँ ले आएंगे बाहर ले आएंगे बटे का, और टू स्क्वायर कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, और ये किसकी वैल्यू मिल गई भैया वाई की स्क्वायर की वैल्यू, स्क्वायर लगाएंगे तो क्या लग जाएगा इधर अंडर रूट, यानी ये टू का स्क्वायर टू बाहर आएगा, थ्री का स्क्वायर थ्री बाहर आएगा, और रूट में क्या बच जाएगा अंदर नौ माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू मिल गई वाई की। तो वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी मिली है दो बटा तीन, दो बटा तीन बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हमको चाहिए भैया, जीरो से लगा करके थ्री तक चाहिए, और वैल्यू रखेंगे वाई की कितनी आई है अंडर रूट में नौ, मतलब तीन का स्क्वायर माइनस का एक्स का स्क्वायर, और ये हमारा डी एक्स। समाकलन करेंगे, अब जानते हैं समाकलन होता क्या है भैया, ये फार्मूला ही है टू अपॉन थ्री। अभी इसकी एक ट्रिक बताएंगे कैसे क्या करना, टू अपॉन थ्री अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है एक्स अपॉन टू, एक्स की जगह पर एक्स, एक्स अपॉन टू फिर रूट वाला पूरा भाग यानी थ्री का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए की जगह पर कितना है थ्री का स्क्वायर, तो थ्री का स्क्वायर बाई टू ये हमारा ए है बस, बाई टू साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पर एक्स अपॉन ए की जगह पर कितना है थ्री है, ये हो जाता है मान। कहाँ से कहाँ तक चाहिए इसका मान, जीरो से लगा करके थ्री तक। फार्मूला लिखा ही दिया गया था पिछले वीडियो में, अब हम क्या करेंगे वैल्यू डालेंगे, एक एक्स की वैल्यू कितनी है थ्री है, तो पहले थ्री डालेंगे एक्स की जगह पर, तो टू अपॉन थ्री एक्स की जगह पर थ्री डालना है बाई टू अंडर रूट में थ्री का स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू थ्री डालनी है थ्री का स्क्वायर प्लस तीन तरह की नौ बटा दो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी लेनी है थ्री अपॉन में थ्री है। अब माइनस लोअर लिमिट कितनी है, अब एक्स की वैल्यू जीरो डालनी है तो ये मान पूरा जीरो ही हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस का गुणा माइनस, यहाँ पर साइन इनवर्स जीरो है तो ये मान भी कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट होकर के वन बचा, और ये मान पूरा तीन का स्क्वायर नौ, तीन का स्क्वायर नौ में से नौ गया जीरो बचा, तो हमारे पास आंसर कितना आया दो बटा तीन गुणा नौ बटा दो। साइन इनवर्स एक कितने अंश का मान होता है, साइन इनवर्स एक पाई बाई टू होता है। अब दो से दो कैंसिल, तीन इक्कन तीन, तीन त्राकी नौ, आंसर कितना आ गया थ्री पाई बाई टू स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट ये हो जाएगा इसका भैया आंसर, थ्री पाई बाई टू स्क्वायर यूनिट ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारी एक्सरसाइज 17.1 के सारे क्वेश्चन। ट्रिक क्या है इसकी, तो ट्रिक भैया ये है कि अगर हमको कहीं पर भी पूरे के पूरे भाग का एरिया निकालना है तो ये मान होता कितना है पूरे के पूरे छायांकित भाग का, पूरी छायांकित भाग का एरिया क्या हो जाए पाई ए बी, ए बी क्या होते हैं लिमिट, ए हमारे पास कितना देखो तुलना करेंगे तीन, बी कितना है दो, तो तीन दूनी छः, ये कितना है तीन, ये है हमारे पास दो, आगे कितना है पाई, तो तीन दूनी छः पाई, ये पूरे के पूरे भाग का एरिया है।
यानी कितने क्वाड्रेंट के लिए आया है, चार क्वाड्रेंट के लिए, कितने पाई आए हैं, छः पाई, इन चारों भाग के लिए हमको एक भाग का निकालना है। तो एक भाग का निकालने के लिए चार टॉफी 5 रुपये की हैं, तो एक टॉफी 5 टॉफी 25 रुपये के, तो एक टॉफी 25/5, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो एक क्वाड्रेंट का जो मान आएगा वो 3π/2 आएगा, यानी कि जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, बस ये था हमारा हैप्पी एंडिंग एक्सरसाइज 17.1 बालाजी प्रकाशन से। बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो इस एक्सरसाइज 17.2 का ही आने वाला है। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल में नया आया हो तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।